नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले कई महीनों से ब्राह्मण समाज द्वारा प्रदेश स्तर पर छात्रवृत्ति की मांग की जा रही है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अधिकार रैली निकाली। समाज के लोगों का कहना है कि सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तर पर आने वाले समय पर इससे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। देखिए, विगत 2 माह से इंदौर की सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन चलाया है, जो कि पूरे प्रदेश में फैल चुका है। इसके पहले चरण में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं, जो कि 40 स्थान पर दिए गए। दूसरे चरण में हमने जनप्रतिनिधियों को निवेदन पत्र दिए, जो कि करीब प्रदेश के 28 स्थानों पर दिए गए। और आज तीसरे चरण का श्री गणेश रैली के रूप में भी इंदौर में हुआ। अब अगले 15 दिन तक प्रदेश के अनान्य जिलों के अंदर तहसीलों में छोटी बड़ी रैलियों के आयोजन होंगे। उसके बाद हम लोग छोटे बड़े रचनात्मक आंदोलन इंदौर में चलाते रहेंगे और 5 अगस्त से हम प्रदेश व्यापी एक ब्राह्मण जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी इससे पहले हमारी बात मान लेते हैं तो वो आभार यात्रा हो जाएगी, और अगर हमारी बात जब तक नहीं मानी गई तो वो चेतावनी यात्रा होगी। हम पूरे प्रदेश के अंदर घूमेंगे और प्रदेश को एकजुट करके मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक, मुख्यमंत्री जी के निवास तक पहुँचेंगे। खरगोन के तबड़ी मोहल्ला से औरंगपुरा को जोड़ने वाले पुल के समीप रविवार सुबह कुंदा नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा घटना स्थल पर लग गया। देखिए, सुबह 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मोटी माता मंदिर के पास में नदी में मिली है। इस पर से पुलिस के द्वारा जाकर उसको लाश को निकाला गया और उसकी शिनाख्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें कि वो व्यक्ति बरेली उत्तर प्रदेश का निकला, जो यहाँ पर नान खटाई का बिजनेस करता था। और प्रथम दृष्टया जो जांच में पाया गया कि वो 4-5 दिन से घर से गायब था, तो इस संबंध में जांच की जा रही है। सर, कोई विवाद वगैरह परिवार सामने आया क्या? अभी इस संबंध में जांच की जा रही है, अभी कोई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अभी प्रारंभिक कार्रवाई करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले संभाग और प्रदेश के पटवारियों ने आगर रोड पर सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रमोशन, उचित समय मान व उचित भत्तों की मांग, 2800 ग्रेड पे पदोन्नति, भत्तों में वृद्धि समेत सरकारी योजनाओं के लिए मोबाइल की मांग की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा जो है समय समय पे अपनी मांगे जो है शासन के समक्ष रखी गई है। आगामी पिछले दिनों में हमारे द्वारा जो है इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की गई थी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये बताया गया था कि आप लोग किसी भी तरह का आंदोलन या हड़ताल ना करें, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और उनके द्वारा कहा था कि हम लोगों को, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को मैं मंत्रालय बुला रहा हूँ, आप लोगों की सारी समस्याओं का निदान कर दूँगा। उसी तारतम्य में हमारे द्वारा विगत दिनों जो है भोपाल में एक बैठक रखी गई थी, और उसी में सुल्तान सिंह जी और राज्य मंत्री रमेश चंद जी शर्मा से मुलाकात की गई। उनके द्वारा शासन की तरफ से अच्छा पक्ष रखा गया, हमारा पक्ष अच्छा रखा गया, और एक पॉजिटिव न्यूज़ हम लोगों को मालूम चल रही है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली, जो हमारी वेतनमान की जो 2800 की जो मांग है, जो विगत 25 वर्षों से पेंडिंग थी, शायद बाबा महाकाल की नगरी में जो आज हमने यहाँ ये सम्मेलन करा है, हो सकता है कि हम जो आगाज कर रहे हैं वो हमें बाबा महाकाल के इस सावन के इस महीने में हम लोगों को मिल जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 19 जुलाई को भोपाल की सड़कों पर भारत स्वाभिमान हुंकार रैली निकालेगी। हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव ने बताया कि पिछले 1 साल से धार भोजशाला सरस्वती मंदिर के लिए आंदोलन कर रही है, उसका कोई निर्णय नहीं निकला। ये प्रेस वार्ता अखिल भारत हिंदू महासभा की, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी अभी हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं भोपाल में 19 तारीख को, उसी के लिए लेकर ये प्रेस वार्ता है कि हुंकार रैली 19 को होना है और उसी समय चुनावी घोषणाएं भी होने की, हिंदू महासभा किन विषयों को लेकर किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाने के लिए मात्र हिंदुओं से अपील करेगी, आग्रह करेगी कि हिंदू महासभा की सरकार बनाने के लिए हिंदू महासभा की मदद करें। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।